जब हमारे आसपास डर का माहौल हो और चारों तरफ महामारी फैली हो, तो पैसा, गोल्स और ड्रीम्स, ये सारी चीजें सिर्फ डिक्शनरी के वर्ड्स लगते हैं। किसी ने कहा था, सवाल ये नहीं है कि हम मरे क्यों नहीं, सवाल तो ये है कि हम जिंदा क्यों हैं। और जवाब ये है कि हम अब जिंदा हैं ताकि हम बेहतर तरीके से मर सके। दोस्तों, आज के टाइम पे जैसा माहौल इस पूरी दुनिया में छाया हुआ है, उसके बाद आज की बुक समरी आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। आज हम कोरोना के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी जो 1918 की स्पेनिश फ्लू को कहा जाता है, उसकी करेंगे। आप जानोगे इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये कैसा फैला और इसका अंत कैसे हुआ। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आप जान पाओ और रिलेट कर पाओ कि इतिहास खुद को दोहराती है। इन्फ्लुएंजा की शुरुआत, इसकी शुरुआत हुई हस्केल कंसास से, जो यूनाइटेड स्टेट में है। यहाँ के लोग खेती करके और जानवर पाल के अपना जीवन चलाते थे। वहाँ एक डॉक्टर थे जिनका नाम था लॉरेन माइनल। उनके पास एक पेशेंट आया जिन्हें कॉमन सिम्टम्स जैसे बुखार, खांसी, सिर दर्द और बॉडी में दर्द था। फिर अचानक से एक के बाद एक मामले नजर आने लगे, किसी ने इससे पहले ऐसे मामले नहीं देखे थे। ये इन्फ्लुएंजा ही था जो तेजी से बॉडी में फैल रहा था। डॉक्टर लॉरेन के 12 पेशेंट इससे मर चुके थे, और हैरान करने वाली बात ये थी कि वो 12 पेशेंट हेल्दी और स्ट्रांग थे। डॉक्टर लॉरेन ने पूरी कोशिश की ताकि वो इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। उन्होंने पेशेंट के यूरिन, कफ और ब्लड टेस्ट किए, अपने कई फ्रेंड्स से भी कॉन्टैक्ट किया और US पब्लिक हेल्थ सर्विस से भी कॉन्टैक्ट किया। उन्हें इसके बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उन्हें सीरियसली नहीं लिया। पेशेंट लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। डॉक्टर लॉरेन ने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन अचानक से मार्च के महीने में ये बीमारी मानो गायब हो गई। फिर से सब नॉर्मल हो गया, स्कूल खुल गए और सभी काम पे वापस जाने लगे। सब बहुत ही खुश थे, लेकिन डॉक्टर लॉरेन ये सोच रहे थे कि इन्फ्लुएंजा ने कभी भी ऐसा रूप नहीं लिया था। ये बीमारी हस्केल में ही खत्म हो सकती थी क्योंकि वो शहर से दूर है और यहाँ की पॉपुलेशन भी कम है। उन्हीं दिनों World War I के कारण आर्मी कैंप में बहुत उथल पुथल थी और एक सोल्डर को भी ये बीमारी हो गई। कैंसास नदी के किनारे 56,000 सोल्डर ट्रेनिंग ले रहे थे और लगभग 3 हफ्तों में 1100 सोल्डर इस बीमारी की चपेट पे आ चुके थे। अब ये बीमारी हस्केल से बाहर निकल चुका था, और हस्केल से बाहर निकलने के बाद ये वायरस और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। जब वायरस के जीन में चेंजेस आते हैं तो उसे म्यूटेशन कहते हैं, और वायरस लगातार स्ट्रांग होते जा रहा था। इन्फेक्टेड आर्मी सोल्डर्स को अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों में भेजा जा रहा था, और वायरस का तो एक ही काम था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करना। वायरस ह्यूमन में कैसे आते हैं? जब हम वायरस की बात करते हैं तो हमें लगता है ये कोई नई बीमारी है, जैसे स्पेनिश फ्लू या कोरोना वायरस, बट ये भी इंसानों और जानवरों की तरह नेचर का एक हिस्सा है जो हमारी तरह टाइम के साथ इवॉल्व होता है, डेवलप होता है। बल्कि वायरस बहुत ही डेवलप्ड जीव होते हैं, और ये वायरस इंसानों से नहीं बल्कि पक्षियों से आया था, बर्ड्स से आया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के कई स्ट्रेन बर्ड्स में होते हैं। ये ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, बट बर्ड्स में ये उनके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। इसलिए बर्ड्स के मल में बड़ी मात्रा में वायरस होते हैं जो नदी तालाब में गिरकर उन्हें इन्फेक्टेड कर देते हैं। बट वायरस एनिमल से या बर्ड से डायरेक्टली ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसके लिए वायरस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ता है ताकि वो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सके, और अक्सर वायरस खुद को इवॉल्व करने में कामयाब हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो एक महामारी की शुरुआत होती है जिसे हम पेंडेमिक कहते हैं। वायरस का स्ट्रक्चर, वायरस एक बॉल की तरह होता है जिसके चारों ओर स्पाइक्स होते हैं। वायरस काफ़ी हद तक मेम्ब्रेन से बना होता है। इसके अंदर RNA होते हैं जिसमें 8 जीन होते हैं जो बताता है कि वायरस क्या है। वायरस का साइज 1 मिलीमीटर का 10,000वां हिस्सा होता है, और स्पाइक जो वायरस के चारों ओर बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है जिसे हीमाग्लोटिनिन कहा जाता है, जिसका सिर्फ एक काम होता है, अटैक करना। हाउ टू इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी। अब मान लेते हैं एक वायरस इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुस जाता है, तो वो फिर बॉडी के सेल्स पे अटैक करेगा। सेल्स के चारों ओर सियालिक एसिड रिसेप्टर होते हैं जिसे हीमाग्लोटिनिन टच करता है। हीमाग्लोटिनिन और सियालिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और जैसे जैसे वायरस सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ता है वैसे वैसे हीमाग्लोटिनिन सियालिक एसिड के साथ जुड़ जाता है, और सेल के मेम्ब्रेन में एक गड्ढा बन जाता है जिसके थ्रू वायरस अंदर घुस जाते हैं। अब इसके बाद वायरस खुद को कवर कर लेता है। ऐसा करने से वायरस का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उस कवर या बबल के अंदर वायरस खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, और इस प्रोसेस को साइंटिस्ट अनकोटिंग कहते हैं। अब वायरस के जीन्स सेल के न्यूक्लियस में चले जाते हैं। वायरस के ये जीन्स सेल के जीन्स को हटाकर उनकी जगह ले लेते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर वायरस का पूरा कंट्रोल होता है,
और वो सेल्स को हजारों वायरस प्रोटीन बनाने का ऑर्डर दे देते हैं। ये प्रोटीन और वायरस बनाने में लग जाते हैं। इस प्रोसेस में 8 से 10 घंटे का समय लगता है। ये वो टाइम फ्रेम होता है जब वायरस सेल से जुड़कर नए वायरस बनाते हैं, और जिस सेल से इसकी शुरुआत हुई है उसे होस्ट सेल कहा जाता है, जहां से लगभग 1 मिलियन वायरस निकलते हैं और नए सेल को अटैक करते हैं। इट बिगिंस अमेरिका के 24 बड़े आर्मी कैंपर्स में ये महामारी फैलने लगी। सारे सोल्डर इतने बीमार हो चुके थे कि लड़ना तो दूर की बात, वो ढंग से ट्रेनिंग भी नहीं ले पा रहे थे। 10 अप्रैल के आसपास की बात है जब अमेरिकी सोल्डर फ्रांस पहुंचे, और इस कैंप के बाद बीमारी दूसरे कैंपर्स में भी फैलने लगी, जिसकी वजह से कई लोग बीमार हुए। लेकिन अभी तक इसे एक महामारी का नाम नहीं दिया गया। अप्रैल के खत्म होने तक इस बीमारी ने ब्रिटिश आर्मी को भी घेर लिया, और कुछ समय बाद इसने पेरिस और इटली को भी घेर लिया। इतना फैल जाने के बाद इस बीमारी को स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। लेकिन तब भी फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के गवर्नमेंट ने असली रिपोर्ट को बाहर जाने से रोका, और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज को ही बढ़ावा दिया ताकि जवानों में डर ना फैले। सिर्फ स्पेनिश खबरों में ही सच दिखाया जा रहा था। ये फ्लू रुकने का नाम नहीं ले रहा था और ग्रीस और पोर्टुगल तक पहुंच गया। धीरे धीरे सभी देश इसकी चपेट में आ रहे थे, और फिर 29 में बॉम्बे में इसका पहला मामला सामने आया। ये बीमारी रेलवे से फैलना शुरू हुई, और फिर बॉम्बे से कोलकाता, मद्रास, रंगून और कराची तक पहुंच गया, और चाइना में तो इसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। ये बात तो कंफर्म थी कि पूरी दुनिया इन्फ्लुएंजा की चपेट में आ चुका था, लेकिन अजीब बात यह भी थी कि इसके बिल्कुल अलग सिम्टम्स दिख रहे थे। इसमें से एक सिम्टम्स था साइनोसिस। इस कंडीशन में शरीर के कुछ हिस्से नीले पड़ जाते थे। दूसरा सिम्टम्स था नाक से खून बहना, खून की उल्टियाँ होना। सबसे अजीब बात यही थी कि वायरस लगातार अपने सिम्टम्स बदल रहा था, और ये उन लोगों को चपेट में ले रहा था जो कम उम्र के थे और जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही स्ट्रांग थी, क्योंकि नॉर्मल वायरस बूढ़े और बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। लेकिन ये वायरस किसी को भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। इस बीमारी ने मरीजों की बॉडी के हर ऑर्गन्स को इफेक्ट किया था। ब्रेन, किडनी, लीवर, लंग्स पूरे तरीके से डैमेज हो चुके थे, लेकिन सबसे बुरा हाल लंग्स का था। डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि जब पोस्टमार्टम के समय लंग्स को बाहर निकाला जाता है तो एक बलून की तरह उससे हवा निकल जाती है, लेकिन जब पेशेंट्स के लंग्स को निकाला गया तो वो हवा से फूली थी। लेकिन टेस्ट करने पर जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि वो लंग्स हवा से नहीं बुरी तरह से डैमेज सेल्स से भरे हुए थे। डॉक्टरों के लिए भी ये बहुत ही खतरनाक मंजर था। मानो ऐसा लग रहा था मानो वायरस और बॉडी ऑर्गन्स के बीच बहुत ही बड़ी जंग हुई हो। स्कूल, कॉलेज और काम पूरी तरह से बंद हो चुका था। सभी जगह कर्फ्यू का माहौल था। इसके बावजूद गवर्नमेंट ये कह रही थी कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोगों को पैनिक नहीं करना चाहती थी, लेकिन तब भी लोग डरे हुए थे क्योंकि लोगों के पास पूरी जानकारी नहीं थी। जैसे आज के टाइम इंटरनेट और बाकी सोर्सों से हमें कोरोना के बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उस समय इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से लोगों का डरना लाजमी था। और सबसे ज्यादा मौतें इंडिया में हुई थी। जब भी कहीं से ट्रेन रवाना होती तो वो खचाखच लोगों से भरी होती थी, लेकिन जब ट्रेन रुकती थी तो उसमें ज्यादातर लाशें ही होती थी। और सबसे ज्यादा तबाही तो पंजाब में हुई थी। डॉक्टरों का यह कहना था कि लोग सड़क पे मर रहे क्योंकि हॉस्पिटल में मरीज के लिए जगह भी नहीं। वायरस एवोल्यूशन पैसेज। 1918 में स्पेनिश फ्लू एक लहर की तरह आया। धीरे धीरे वायरस के केसेस कम होने लगे और लोगों को लग रहा था कि वायरस अब खत्म हो रहा है, लेकिन उनका अंदाजा बिल्कुल गलत था, क्योंकि असल में वायरस में म्यूटेशन हो रहा था और बड़े रूप में अटैक करने की तैयारी चल रही थी। वायरस ने अब दूसरा फेस ले लिया था, क्योंकि जब भी एक वायरस एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाती है तो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। वायरस और वायरस बनाने में, फैलने में और बेहतर तरीके से काम करने लगती है, या यूं कहूं कि वो अपना काम अच्छे से सीख जाती है, और इस प्रोसेस को पैसेज कहते हैं। लेकिन वायरस के भी अटैक करने की एक लिमिट होती है, वो हमेशा स्ट्रांग नहीं रहता। ऐसा तब होता है जब उसे अटैक करने के लिए कोई नया होस्ट नहीं मिलता। ऐसे में वो कमजोर होने लगता है, और इस पॉइंट पर वायरस खुद को डिस्ट्रॉय करने लगता है, क्योंकि उसे वो प्रोटीन नहीं मिल रहा होता है जो उसे चाहिए था। हाउ डिड इट एंड। विक्टर वैगन, जो आर्मी के डिजिटल डिपार्टमेंट के हेड थे, उनका कहना था कि अगर इसी तरह वायरस बढ़ता रहा तो फिर दुनिया में कोई भी इंसान नहीं बचेगा। किसी भी वायरस को जिंदा रहने के लिए इंसानों की जरूरत होती है, जैसे मीजल्स। लेकिन ये इन्फ्लुएंजा वायरस इससे बिल्कुल अलग था। उन्हें जिंदा रहने के लिए ह्यूमन बॉडी की जरूरत नहीं थी, वो पक्षियों में भी जिंदा रह सकते थे। और दुनिया के हर इंसान खत्म होने के बावजूद इन्फ्लुएंजा नहीं खत्म हो सकती। इतनी सारी टेक्नोलॉजी और साइंस के बावजूद भी हम इन्फ्लुएंजा का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। और जब इसका अंत हुआ भी तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस से ही हुआ। जो साइंस नहीं कर पाया उसे नेचर ने किया। हमने पहले ही बात की थी पैसेज की, कि जब वायरस एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाता है तो वो खुद को इवॉल्व करता है, और इसी तरह फेज 1 से फेज 2 पे जाता है। जब ये बीमारी अपने पीक पर होती है
तो हमारे ह्यूमन बॉडी में तो नेचुरल प्रोसेस की शुरुआत होती है। जब एक वायरस किसी इंसान को इन्फेक्ट करता है तो सेम उसी वायरस का उसी इंसान को इन्फेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो इंसान एक बार किसी वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है तो उसके अंदर उस वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी आ जाती है। ऐसे में धीरे धीरे वायरस में म्यूटेशन होना कम हो जाता है जिससे वायरस कमजोर होने लगता है। नवंबर 1918 के अंत तक पूरी दुनिया इस बीमारी से इन्फेक्टेड थी और वायरस को कोई दूसरा होस्ट नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उसमें म्यूटेशन होना खत्म हो गया। वायरस धीरे धीरे कमजोर होने लगा और डेथ रेशियो धीरे धीरे कम होने लगा। उस समय दुनिया की पॉपुलेशन 1.8 बिलियन थी। रिसर्च से पता चला है कि स्पेनिश फ्लू ने दुनिया के लगभग 5% लोगों की मौत का कारण बना। तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है, लीडर्स को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए और सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि लोग डरे ना और अंधविश्वास पे भरोसा ना करें। लोगों को इस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि ये कैसे होती है। ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट या मीडिया जो राहत सुझाव देती है उसे पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा अमल करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, लॉकडाउन का पालन करे, टाइम टाइम पे हाथ धोए और हाइजीन मेंटेन करे। 1918 में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और हाइजीन मेंटेन करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय अफरा तफरी मची हुई थी वर्ल्ड वॉर एक के कारण। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, जो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। सो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो एक वायरस के बारे में, कि वायरस कैसे काम करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। बी स्मार्ट, बी अवेयर।